न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। मुख्यमंत्री को मिली धमकी के बाद हरकत में आई पुलिस, एसएसपी ने लिया गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा, कहा बरतें सावधानी ना होने पाए कोई चूक। श्रमिकों व कामगारों के उज्जवल भविष्य के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में एक एक हजार रुपए किया ट्रांसफर, कहा श्रमिकों कामगारों को दिया गया है एक एक हजार रुपए का भरण पोषण भत्ता, टीम वर्क बनाकर करें कार्य मिलेगी सफलता। कोरोना बीमारी से विजय हासिल करने पर जिलाधिकारी ने विजेताओं को पौष्टिक आहार देकर की विदाई, उनके उज्जवल भविष्य की कामना। गोरखपुर में रोजाना बढ़ रहे कोरोना पॉजिटिव के मरीजों की संख्या के बाद भी लापरवाह नजर आ रहा जिला अस्पताल प्रशासन। अस्पताल के वार्ड में भर्ती मरीजों के परिजन उड़ा रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, अस्पताल प्रशासन मौन। भालोटिया मार्केट में सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने पर जिला प्रशासन द्वारा सील की गई दुकानों को एसीएम ने खुलवाया, कहा नियमों का उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई। गोरखपुर जिले में बीआरडी के एक डॉक्टर और एक स्टाफ नर्स सहित 12 लोग मिले कोरोना पॉजिटिव, बांस गांव के एक ही परिवार के 5 लोग हुए संक्रमित। सूरजकुंड का रहने वाला 8 साल का मासूम भी निकला कोरोना पॉजिटिव। जिले में संक्रमितों की संख्या हुई 163, सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की पुष्टि। मोहद्दीपुर से जंगल कौड़िया तक निर्माणाधीन 4 लेन के बीच में पड़ने वाले विद्युत पोलों को हटाने का काम जोरों पर, अधिशासी अभियंता ने कहा जल्द पूरा होगा काम। जिला अस्पताल में ट्रूनेट मशीन से 5 जून से ही शुरू हुई है जांच, चंद घंटे में मिल रही कोरोना जांच की रिपोर्ट। प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर एस के श्रीवास्तव ने कहा अभी तक हमारे जिला अस्पताल में की जा चुकी है 30 जांचें। बेलीपार थाना क्षेत्र के कालाबाग ढाबे के समीप ट्रक की चपेट में आने से 28 वर्षीय युवक की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। सूचना पर मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, भाग रहे चालक को ट्रक के साथ किया गिरफ्तार। प्रदेश अध्यक्ष की रिहाई की मांग को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने टाउन हॉल स्थित गांधी प्रतिमा पर किया मौन प्रतिवाद, कहा सरकार जल्द दे रिहाई। कोरोना वॉरियर्स के लिए जिला प्रशासन को सामाजिक संस्था ने उपलब्ध कराया 30 पीपीई किट, जिससे हो सके कोरोना वॉरियर्स की सुरक्षा। मंडी में व्यापार करने वाले आढ़तियों ने मंडी शुल्क को बचाने के लिए अपने माल को मंडी के बाहर गोदामों में रखना कर दिया चालू, लेकिन फायदा आम जन को नहीं। मानसून के पहले स्किन के मरीजों के लिए राहत भरी खबर, जिला अस्पताल में स्किन के मरीजों के लिए शुरू हुई ओपीडी। प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर एस के श्रीवास्तव ने कहा स्किन के मरीजों की बेहतर सुविधा के लिए शुरू की गई स्किन की ओपीडी। और बामा सारथी पुलिस फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले महिला आरक्षियों एवं पुलिस कर्मियों के बच्चों को दिया गया सिलाई कढ़ाई का प्रशिक्षण, जिससे बन सके आत्मनिर्भर।